इंसान कोई भी धरती पर हो साहब, गलती हो गया उसको समझा दीजिए, समझा दीजिए उसको, शिक्षा मिल जाएगा, वो आगे चल के गलती नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गया तो उसको जाने मार दो, मारते मारते देह तोड़ दो। अगर जो आप उसको देह तोड़ दिए तो वो तो कल से रिक्शा हम नहीं चलाएंगे, हमारा 5 गो बीवी बच्चा भूखे कलटेगा। इंसान को साहब ये चीज को सोच के चलना चाहिए कि इसको तो मार के तोड़ देंगे, यहाँ अकेले है तो हम 12 आदमी मार के तोड़ देंगे, वो कुछ करेगा भी नहीं हमको। लेकिन जो उसका 5 बच्चा परिवार वहाँ जो इंतजार करते रहेगा कि पापा आएंगे तो आटा आएगा, सब्जी आएगा, चावल आएगा। ये मेरी तरफ से अंकल तोहफा आपके लिए, ये लीजिए, आप पकड़ लीजिए, हम इतने में खुश हैं साहब। भाई ये कोई और गरीब के दे दीजिए, हम इतने में खुश हैं, आनंद है। आप जैसे आदमी हमें रोज मिले शिक्षा देने वाला, इतना बर्ताव अच्छा करने वाला, तो हमें तो आनंदे आनंद है साहब। और क्या चाहिए साहब, ना हम कुछ लेके आए हैं ना लेके जाएंगे। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? राम प्रपंच। राम प्रपंच जी, हाँ जी। तो बड़ी देर से देख रहा हूँ गरम गरम चाय पी रहे हो आप। अभी सवारी गए अंदर। अच्छा, तो हम सोचे कि जब तक चाय पी लेते हैं। अच्छा, सवारी लेके जा रहे हो? हाँ। अच्छा, सामान का भी है। घर में बच्चे हैं आपके? हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चा तो 4-5 है। अच्छा, 4 बच्चे आपके? 5 है, एक लड़की है, 4 लड़का है। एक लड़की है, 4 लड़के है। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ता है। मेरे को आपको देख के इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे से रुका नहीं गया। देखिए, हम अंडा मुर्गी दारू तारू कुछ नहीं पीते हैं साहब जी। कभी कतार सिगरेट उगरेट पी लेते हैं। सिगरेट भी नहीं पीनी, ये तो गलत बात है अंकल। ये तो सही कर रहा है, लेकिन क्या करे, साथी समाधि में कभी कतार पी लेते हैं। नहीं अंकल, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखो पीने के लिए चाय है, खाने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं, तो सिगरेट क्यों पीनी है? चलो मैं मतलब बताओ, सिगरेट क्यों पीनी है? ऐसा होता है साहब कि साथी से लो यार अभी काम तुमको मार देते हैं, तो ऐसे साहब कोई नशा मेरे पास नहीं है। अच्छा, अंडा मुर्गी कुछ भी नहीं खाते शराब। तो फिर आज दिवाली है, वादा करो माता रानी से। हाँ बोलिए। आज के दिन छोड़ दोगे सिगरेट आप? आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पियोगे, वादा करो। मेरे को कहीं दिखे आप, मतलब मैं शिकायत करूंगा। अंकल जी ये क्या कर रहे हो आप, ये कर सकते हो? किसकी किससे ज्यादा प्यार करते हो, कसम खाओ? प्यार तो हमें सबसे है साहब, सबसे प्यार है, बच्चे से भी है, हमारा पिताजी बुढ़ा बुढ़ी हो गए उनसे भी प्यार है। जिससे भी ज्यादा प्यार है अपने शरीर पे हाथ रखो। हाँ। और मेरे से वादा करो कि बेटा मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा सिगरेट। नहीं ठीक है, नहीं पियेंगे साहब। आप कह दिए, आप हमारी ही भलाई के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल भलाई के लिए कह रहा हूँ। शरीर खराब हो जाएगा, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे खराब हो जाएंगे क्योंकि उसके पिताजी गले में निपो हो जाए, कैंसर हो जाएगा। हाँ। फिर नहीं सही है, आज के बाद छोड़ देंगे पक्का। ये कैसे मालूम है? कैसे कहिए, कसम खा के कहूँ, आज के बाद छोड़ देंगे पक्का। ये कैसे मालूम है? कैसे कहिए, कसम खा के कहूँ। कोई बुजुर्ग बंदा जा रहा होता तो रिक्शे पे फ्री बिठाते हो उस बंदे को आप? हाँ बिल्कुल। अगर जो ज्यादा करके कोई मजदूर पार्टी मिल जाता है ना, उसको तो कहते हैं चलो यार फ्री में ले जाते हो। जहाँ 50 रुपया वहाँ कहते तुम 20 रुपया दे दो ताकि मेरे भी पेट है। जहाँ 50 रुपया वहाँ कहते तुम 20 रुपया दे दो ताकि मेरे भी पेट है। तो नए काम करते हो आप, ये कितनी को बुक चाहिए बच्चों के लिए? वो एक तो पढ़ता है साहब, लड़की तो पढ़ रहा है मैट्रिक में पढ़ रहा है, और एक लड़का है तो 8वां में पढ़ रहा है। जो 12 क्लास वाला पढ़ रहा है ना, अब उसको तो पढ़ाई बंद हो गया। मैं पढ़ाई बंद हो तो बाकी कितनी बुक चाहिए ले लो आप, कितनी चाहिए आपको ले लो? एक के दो को दीजिए, ज्यादा क्या करेंगे साहब? नहीं बच्चा, दो बच्चे है ना, तो बाकी तो आप कह रहे हो उनका हो गया। बच्चा वाला 2 गो दे दीजिए बस। लो ना लो जितनी जरूरत है। किसी को दे दीजिए साहब, ये 2 गो दोनों लड़का के लिए हो गया। और देखो ना अगर और जरूरत पड़ी। नहीं कोई बात नहीं है साहब, अरे इतना बहुत है साहब, इतना ऊपर लिख जाएगा ना तो बहुत है। साहब इतना ऊपर लिख जाएगा ना तो बहुत है।
वो तो नेक दिल के हो आप, मतलब जितनी जरूरत है उतनी इतनी चीजें लिया आपने। साहब जी, अब कहने का मतलब कि अब हम पूरा किताबी ले जाके क्या करेंगे, आइए किसी को और आप दीजिएगा गरीब आदमी को, तो चलिए वो भी आशीर्वाद देगा कि चलिए हमारे पास नहीं था दे दिए। सीढ़ी पर सीढ़ी लगा हुआ है, धरती पर सीढ़ी लगा हुआ है। आपको भी कोई पिताजी होंगे, आप कल होके किसी को पिताजी बनिएगा। वही अगर जो लड़का जब बच्चा धरती पर पैदा लेता है, क्या हुआ फल्ला के क्या हुआ, बेटा बेटा हुआ है, ऐसे करता है, हमारा बेटा हुआ है। और वही बेटा यदि जब करने लायक हो जाता है और जब गर्दन पर छुरी चलाता है, तो साहब यही लगता है कि साला मर जाए वो ठीक है, लेकिन ऐसा औलाद नहीं। क्या हुआ फल्ला के क्या हुआ, बेटा हुआ है, ऐसे करता है, हमारा बेटा हुआ है। और वही बेटा यदि जब करने लायक हो जाता है और जब गर्दन पर छुरी चलाता है, तो साहब यही लगता है कि साला मर जाए वो ठीक है, लेकिन ऐसा औलाद नहीं होना। आपके साथ ही नहीं हुआ इतना बुरा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इतना बुरा हुआ है। ये भी बात सही है, ये बात आप सही कर। गर्दन पे छुरी आपके नहीं लगी है, पता नहीं कितने ऐसे माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे पैदा कर दिए और उनके बच्चों ने उनका नाम डुबा दिया। लेकिन एक बात बताइए साहब, हमारा तो जिंदगी जहर घोल गया ना, हम जिंदगी देखिए नहीं। अंकल जी मैं आपको रोकूंगा, रुको, परमात्मा पे छोड़ दो आप। हम वो तो ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नेक काम हमेशा करते जो, आपने अपना आज सिगरेट छोड़ दी है मेरे कहने पर। अब ये बताओ आपके आसपास जितने भी लोग सिगरेट पियेंगे उनको मना करोगे आप? करेंगे, बिल्कुल करोगे, लेकिन कोई मानता नहीं है साहब। रिक्वेस्ट करना, हाँ, समझाना। ये बात सही है। अब ये बताओ घर किस टाइम जाओगे आप? 8 बजे तक जाएंगे। आओ मैं खाना पैक करा देता हूँ। नहीं नहीं परिवार जी, आप इतना कर दिया बहुत। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं सब सुनना करो। खाना मत, खाना तो साहब घर पर जाएंगे खाएंगे, अब हमारे लिए टेंशन न लीजिए। परिवार के लिए, सबके लिए खाना पैक करवा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आप इतना बोल दिए बतिया लिए, हमें सबसे बड़ा आनंद मिल गया। आप इतना बोल दिए बतिया लिए, हमें सबसे बड़ा आनंद मिल गया। साहब जी एक बात बताएं, हम रिक्शा चलाते हैं, हर इंसान मिलता है, हर तरीका के मिलता है, बड़ा से बड़ा आदमी मिलते हैं, लेकिन आप जैसे आदमी आज तक इतना, कम से कम हमारा भी 50 साल की उम्र होगा, आप जैसे आदमी एक दो मिला है छीत छीत देने वाला, और ना 100% आदमी। साहब जी आप एक बात बताइए, हम रिक्शा चला रहे हैं, हमारा ताकत उतने भर के है, वो भी किस्त पर ले रखे हैं, काहे के लिए कमाएंगे, धीरे धीरे किस्त भी देंगे, अब बीवी बच्चा के पेट पालेंगे। अब आप तो है कि थोड़ा लग भी जाएगा आपके गाड़ी में, तो आप छीत छीत है किसी को नहीं मारिएगा, लेकिन 100% आदमी है कि इज्जत नहीं करते हैं। अरे आप ये सोचिए कि हम भी एक इंसान है, आप भी इंसान है, रास्ता में चलने में हर इंसान से गलती हो सकता है, ये नहीं है कि आप ही साहब गाड़ी पर चढ़े तो आपसे गलती नहीं होगा, आपसे भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या कि किसी के मारने लगो? अरे ये तो साहब थोड़ा सा खुरूचा आ जाएगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, हाँ। कि कुछ लोग गाड़ी वाले कुछ भाई कुछ रोब में रहते हैं, कुछ रुतबे में रहते हैं, थोड़ी सी टक्कर लगने पे उस गरीब इंसान को मारने लग जाते हैं। थोड़े से अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, मन में थोड़ी सी शांति रखिए, भगवान का नाम लीजिए, एक सेकंड लगता है, अगर उसने गलती कर भी दी है तो आपको सॉरी बोल देगा, सॉरी बोल रहा है उसके बाद भी आप मार रहे हैं तो बहुत गलत बात है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक सेकंड में भूल जाया करिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना आप कमाते हैं गाड़ी में घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ी है, 500 रुपये की चीज़ के पीछे आप इतना उसको मारना, लाते घुसे मारना बहुत गलत है ये। अंकल जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरी ये मैसेज बहुत लोगों तक जाएगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात है, आपकी भावना भी समझ रहा हूँ, बहुत सारे लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, वो ये सिर्फ ये देख के रिक्शे वाला है। अच्छा एक बात ये है साहब जी जी, कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि गलती हर इंसान से होता है, कौन ऐसा इंसान है कि गलती नहीं होता, गलती नहीं होता गलती। कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि गलती हर इंसान से होता है, कौन ऐसा इंसान है कि गलती नहीं होता, गलती नहीं होता गलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गरीब के एक बात है साहब जी, जी हमें दिल के खुला, अगर जो गरीब के कोई बड़ा आदमी मारते हैं तो उनको पाप चढ़ के दूसरा कुछ हम डरे नहीं बोलेंगे, आपको गाड़ी में लग जाएगा जाके उतर के मार दीजिएगा, हम डरे नहीं बोलेंगे, क्यों हम गरीब आदमी हैं। इंसान कोई भी धरती पर हो साहब, गलती हो गया उसको समझा दीजिए,
समझा दीजिए उसको, शिक्षा मिल जाएगा, वो आगे चल के गलती नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गया तो उसको जाने मार दो, मारते मारते देह तोड़ दो। अगर जो आप उसको देह तोड़ दिए तो वो तो कल से रिक्शा हम नहीं चलाएंगे, हमारा 5 बीवी बच्चा भूखे कलटेगा। अगर जो आप उसको देह तोड़ दिए तो वो तो कल से रिक्शा हम नहीं चलाएंगे, हमारा 5 बीवी बच्चा भूखे कलटेगा। उसका आशीर्वाद आप पर पड़ेगा साहब, आप कहाँ जिंदगी में चैन से रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। इंसान को साहब ये चीज को सोच के चलना चाहिए कि इसको तो मार के तोड़ देंगे, यहाँ अकेले है तो हम बारात में मार के तोड़ देंगे, वो कुछ करेगा भी नहीं हमको। लेकिन जो उसका 5 बच्चा परिवार वहाँ जो इंतजार करते रहेगा कि पापा आएंगे तो आटा आएगा, सब्जी आएगा, चावल आएगा, ये मेरी तरफ से अंकल तोहफा आपके लिए, लीजिए। ये लीजिए, आप पकड़ लीजिए, हम इतने में खुश हैं साहब। भाई ये कोई और गरीब के दे दीजिए, हम इतने में खुश हैं, आनंद है। मतलब हर एक चीज में कॉपी भी आपने वापस कर दी, सामान भी वापस। हमारे पैसे के ऊपर लोभ नहीं है साहब, हमारे जैसा इंसान आपको जीवन में न मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, 100 में एक आध मिलेगा। आपके काम आएंगे अंकल जी, समझो आप। नहीं नहीं, ये किसी को और दीजिएगा उसका पेट भरेगा। हमको आप ही दीपावली के तोहफा पर दे दिए, हम आनंद है साहब, इतने में खुश हैं। हम साहब इंसान अलग हैं साहब जी, गरीबों में है ना, तो एक इंसान हमारे जैसा जो मिलेगा ना, वो बर्ताव आपके साथ ऐसे ही करेगा। दोस्तों मैंने कई हजारों लोगों की मदद करी है, मैंने इन जैसा इंसान नहीं देखा, ऐसा दिल नहीं देखा। हेमंत, कभी तेरे को ऐसा लगा कि मतलब किसी के सामने कोई चीज़ रखी हो उसने मना कराओ? हमेशा सबको जो चीज़ दिखती है कि चलो हमारे हमारे लिए आ रही है, चलो चाहे उनके दिल में कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी तूने भाई साहब जैसा कोई इंसान देखा नहीं? देखा ना सर, आज इतने साल हो गए सर मदद कर रहे हैं हम। हाँ। आप जैसा दिल नहीं देखा भाई साहब। साहब जी हमारे पास दिल है, लेकिन हम आपको 100 के बाद बता देना कि हम एक गिरा हुआ इतना इंसान है कि हम जिंदगी में चैन से न खा पी सकते हैं, न रह सकते हैं। औलाद के चलते हमारे भारत में इतने नेक लोग हैं भाई साहब। हाँ। जिसकी कमी नहीं है। सही है साहब, मानते हो? लेकिन ऐसे भी मिलते हैं कि काम है 50 रुपया के, अरे नहीं हम इतने में आते हैं, लेना है लो ना तो जाओ। अब हम डरे बोल भी नहीं सकते, मजदूरी कर भी दी है लेकिन डरे हम बोल भी नहीं सकते कि ये बच्चे के लिए अपने। साहब जी हमारे लिए बहुत आप दे दिए, बहुत है, हमको नहीं चाहिए। चलो ठीक है अंकल जी, भगवान के ऊपर उठ गए हुए हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके, दिल खुश कर दिया आपने। देखिए अचानक कैसे, तो आप हमको बोला भी नहीं है ना, तो हम बोलते थोड़े भी, हम तो चाय पीते बैठा रहते। नहीं आपका दिल तो बहुत अच्छा लगा आपसे, बात है आपसे तो गले मिलना तो बनता ही है, बहुत अच्छा लगा आपसे। बड़ा नसीब से मिलने साहब, आप जैसे आदमी से हमें भी बात करके दिल बहुत ऊंचा खिलता है। गरीब तो है लेकिन दिल लगता है कि हाँ गदगदा कर। नहीं नहीं, परमात्मा ने भेजा है मेरे को, भगवान का बच्चा हूँ और हमेशा नेक काम करते जाऊंगा। आशीर्वाद बना के रखो भाई साहब। बस सही है साहब, सही है, खुश रहना अंकल, टेंशन मत लेना। बच्चे ने जो भी किया वो उसका कर्म है, ऊपर वाला देख रहा है। हाँ ये तो, चिंता मत करो, और बाकी लोगों को मना करना सिगरेट पीने के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है साहब, ओके। अब आप जैसे मिल के आज हम भी दिल आनंद हो गया बिल्कुल। ना तो एक एक आदमी को साथ देखते हैं बर्ताव ना जी, हमें यही लगता है साहब कि हम गरीब हैं तब नहीं लोग ऐसे हमको सताते हैं, यही लगता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन अंदर से दिल कहता है। आनंद आया मिलके आपको? बिल्कुल।
एकदम दिल गदगद हो गया साहब। आप जैसे आदमी हमें रोज मिले चिच्चा देने वाला, इतना बर्ताव अच्छा करने वाला, तो हमें तो आनंदे आनंद है साहब। और क्या चाहिए साहब ना, हम कुछ लेके आए हैं ना लेके जाएंगे। बस ये जो आप दे रहे हैं ये जब तक मेरा जिंदगी रहेगा कोई साहब हमें गाड़ी पर मिले तो। हम पटना के हैं, दानापुर उतर जाते हैं, दानापुर से थोड़ा आगे। लेकिन ये जो आप दिए, ये 500 रुपया जो रख लिए, कि जब तक सांस नहीं निकलेगा तो जिंदगी भर चरपाई पर भी लेट जाएंगे, तो हमें ये ध्यान आएगा कि कोई साहब हमें मिले थे नेक इंसान। धन्यवाद धन्यवाद। पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है साहब। खाना पैक कराया तो मेरा दिल तो रख लो, पैसे कहाँ लेके जाऊंगा मैं इतने। कोई बात नहीं साहब, अरे इतना कर दिया बहुत है साहब। हम खाना पैक करवा लो, ये मेरे से नोट रखा नहीं जा रहा। नहीं नहीं साहब, आप रखिए, कोई बात नहीं। दूसरे इंसान को देके उसका दिल खुश कीजिए। ठीक है अंकल जी, हम तो खुश है साहब इतने। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आप ये कैसे हमको परीख लिए कि कोई इंसान अच्छा बैठा हुआ है, हमें ये ना समझ में आ रहा है। भाई साहब मेरे को आज मदद करते हुए कई साल हो गए हैं। अब जब कोई इंसान मदद करने निकलता है ना रोड पे, जब उसको 100 चेहरे दिखते हैं, तो मेरे को आज वो समझ हो गई इतने सालों बाद कि मेरे को चेहरा देख के समझ आ जाता है कि इस इंसान को बहुत ज़रूरत है। आप जब चाय पी रहे थे ना, तो आपके चेहरे की जो मासूमियत और जो आपका पीने का स्टाइल, तो मेरे अंदर जो भाव आ रहे थे कि नहीं, ये अंकल जी जो है ना बहुत दिल के साफ है और नेक है। बताइए आप क्या सोचे थे? अब अपना बात बता दिए। हम सोचे थे कि कहीं का गाड़ी में बैठे हुए ही सोच रहे होंगे कि ये दारू तो नहीं ना पी रहा है वैसे। हम ये सोचे थे क्योंकि दुनिया आजकल रोड पर भी साहब दारू पीते गलत है। तो हम ये भी सोचे थे कि कहीं साहब सोच रहे होंगे, चुपचाप देख रहे हैं कि यार दारू तो नहीं ना पी रहा है। आशीर्वाद दो, मैं और करोड़ों लोगों की मदद करूं। हाँ ठीक है साहब, ठीक है जी। भगवान करे कि पूरा दौलत आपको है साहब, गरीब के खुश रखिए साहब, भगवान देने वाले हैं। ठीक है अंकल, इंसान क्या देगा साहब, भगवान देते हैं। बिल्कुल ठीक है। भगवान आपको, आप जनता के करिएगा, आपको जनता 10-2 देगा, भगवान ऊपर से और आपको नोट बारिश करेंगे। लेना देना काम उन्हीं को है साहब। जनता हमारे से खुश है तो हम भी खुश है साहब जी। गड्डी हम रख के करोड़ों रुपया रखे हुए हैं, कोई इंसान रोड पर भूखे मर रहा है, वो रुपया हमको किस काम में आएगा? जनता के खिला देंगे तो उसका दिल आनंद होगा, तो हमें 1 करोड़ के 2 करोड़ भगवान देंगे। ठीक बात है। इंसान कोई नहीं देता है, इंसान के काम है सिर्फ अपना कर्म चलाना, कर्म करना। कर्म भगवान कहे कि अपना कर्म करो, कर तब खा, पहले करिए तब खाइए। जूते चप्पल पहने हुए आपने? चप्पल पहने हुए हैं। चप्पल दिलवा के लाऊं बढ़िया से? नहीं साहब, अब इतना कर दे हमारे लिए बहुत है साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है अंकल जी, ध्यान रखना अपना। ठीक है, अब देखिए पहचान लीजिए चेहरा, हम तो द्वारके में चलाते हैं, कभी मिलिएगा तो पक्का सवारी, पक्का रिक्शे में घूमूंगा आपके एक दिन में। मैं द्वारका आता रहता हूँ, मेरा पक्का, अगर आप जिस दिन मेरे को दिखे ना, मैं पक्का घूमूंगा आपके रिक्शे के अंदर। चलाते हैं कहाँ पर जानते हैं? समृद्धि पर रहते हैं, सेक्टर 18 में, मतलब नंबर लगा के। ठीक है, मैं जिस दिन आप मेरे को दिख गए, मैं गाड़ी रोकूंगा अपने रिक्शे में, घूमूंगा आपके साथ। पहचान दीजिएगा, तभी तो पहचान पक्का बता जाएंगे ना। अरे सर आपका चेहरा इतना मस्त है कि आप हंसते हुए नजर आ जाओगे मेरे को।